नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। आज मैं प्रयागराज के करेली एरिया में आया हूँ, जहाँ पे मैं एक जिम में बैठा हुआ हूँ जिसका नाम माई फिटनेस है। हमारे सामने सोनू तिवारी जी हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि 22 मार्च के बाद जब लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद से इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नमस्कार सोनू जी। जी नमस्कार। तो आपने क्या क्या चीज़ें झेली 22 मार्च के बारे में, वो बताइए पब्लिक। हमारे कोरोना के बाद से जो है किराए की बड़ी दिक्कतें हुई हैं, हम लोगों ने बंद करके भी किराया दिया है, ये काफ़ी बड़ा समस्या था हमारे लिए। उसके बाद हमारा बिल को लेके हो गया, बिजली का बिल वो परमानेंट हर महीने जाता था। फिर उसके बाद जब ये खुला है कोरोना के बाद से, तो उस तरह के हमारे क्लाइंटेज नहीं हैं जैसे होते हैं जिमों में, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कोरोना को लेके। और सोशल डिस्टेंसिंग जो दूर रखी जाती है लोगों को, बाहर बोला गया है, वो जिमों में नहीं हो पाती है, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे हमारे क्लाइंटेज बन नहीं पा रहे हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं डर के मारे जिम से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये कितने दिन पुराना है आपका, खुला कब है ये? ओपनिंग तो खुला तो अभी 5 अगस्त को ही खुला है ये। इसी 5 अगस्त को खुला, ओपनिंग हुआ है इसका? जी। अच्छा, तो आपने इसको सेटअप कर लिया था मार्च में? मार्च में ही कर लिया था, बस 22 मार्च को जिस दिन हमको खोलना था उसी दिन से ये लॉकडाउन हो गया। और हमारा पैसा पहले इन्वेस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हुई। ये हुआ कि आज हमने पैसा लगाया है, कल से हमारा जो है उतरना चालू हो जाएगा, पर कोरोना 3 महीने की वजह से मेरे जेब से पैसे जा रहे थे। तो लोन भी लिया होगा आपने जिसको भरने में? लोन पर ये हुआ है पूरा, लोन भी जाता था, बिल भी जाता था, रेंट भी जाता था, काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, काफ़ी लोगों से उधार लेके देना पड़ा है लोगों को, तो ये काफ़ी समस्या हुई है। और पैसे इस तरह से अब आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बाकी आपने स्टाफ रखा होगा, उनको भी पैसा दे रहे थे आप? जी, उस समय तो हम लोगों ने स्टाफ नहीं रखा, लेकिन 5 अगस्त से जब स्टार्ट किया तो स्टाफ ने रख दिया है, तो उनको पेमेंट अब करनी पड़ेगी, लेकिन उतने भी पेमेंट अब आने की कुछ उम्मीद लग नहीं रही इस समय, 1-2 महीने नहीं लगेगी, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो दर्शकों को क्या बताना चाहिए, यहाँ पे सैनिटाइजेशन का कैसे ख्याल रखते हैं आप, लोग पास पास रहते हैं, क्या कर रहे हैं आप सैनिटाइजेशन को लेकर? हमने 5 अगस्त को जो खोला, जो गाइडेंस आई है, तो उसके लिए हमने लिमिटेड लोगों को जो है बोला है, ज़्यादा रश करने के लिए हमने नहीं बोला है, लिमिटेड लोगों को यहाँ पर आने के लिए बोला है, और मास्क के लिए बोला है, सैनिटाइजिंग के लिए बोला है। सैनिटाइजिंग हमारी मशीन होती रहती है, लड़का एक हमारे यहाँ परमानेंट रहता है सैनिटाइज के लिए, जो मशीनों को सैनिटाइज करता रहता है, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। तो ये कोरोना में जो ये लोग घबराहट है, इसको आप दर्शकों से क्या बताना चाहते हैं कि ये आ तो पा नहीं रहे आपके यहाँ तक, आप जैसे बता रहे हैं अपना उसमें जी। तो अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप जिम खोल लीजिए, तो उसी हिसाब से आपने खोल भी लिया, तो अब आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं कि ये जगह सुरक्षित है, बैचेस के आपके कितने चल जाते हैं दिन भर में, लेडीज़ का है कि केवल जेंट्स के लिए आपने ये खोला है, तो बताइए जैसे लोगों को, कम से कम प्रयागराज के लोगों को तो पता चले कि आपने ये नया सेटअप खोला हुआ है, जो कि देखने में बड़ा खूबसूरत आपने बनाया है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है ये जो मैं देख रहा हूँ अपने नॉलेज में, तो उसके बारे में बताइए कि कितने बैचेस चला रहे हैं आप, जैसे कम से कम कुछ लोगों तक आपकी बातें पहुँचे। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले जैसे जिम चलते थे कि कोई भी किस टाइम चलाए, पर हम लोगों ने इस समय बैच स्टार्ट की कि आप 1 घंटे में जिस समय आ रहे हैं उसी समय 10-12 लोग हमारे यहाँ रहते हैं बैच में, तो डिस्टेंसिंग भी बनी रहती है और कोई दिक्कत भी नहीं रहती है, मशीन सैनिटाइज होती रहती है, इसलिए आप सेफ हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर इस टाइम अगर आप फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा रहेगा, तो अगर आपको कोरोना की दिक्कत होती है तो आप उससे आप ठीक भी हो सकते हैं फिटनेस के थ्रू। बिल्कुल, तो ये बात तो सही है। बैचेस कितने चल रहे हैं, फीमेल का भी है कि केवल मेल का है? हाँ, 3 बैचेस हैं हमारे यहाँ, एक सुबह का बैचेस है, एक दोपहर का, एक शाम का। सुबह आपका 6 से 11 तक है, हमने रखा हुआ है कम्बाइंड, जिसमें आपके हर घंटे के बैच रहते हैं, हर घंटे में हम 10-12 लोग से ज़्यादा नहीं रखते जी, 6 से 7 में 10-12, 7 से 8 में 10-12 ऐसे लोग रहते हैं, ताकि जिम में भीड़ भी ना रहे और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे। कितनी फीस देते हैं? फीस हमारे यहाँ अभी मंथली 1800 रुपये है, 3 मंथ्स का 4500 रुपये है। कुछ और पैकेजेस भी हैं जैसे कि? जी हाँ, पैकेजेस है, आप अगर साल भर का लेते तो आपको 13500 रुपये पड़ेगा। और किसी का वेट वाइज पैकेज, इतने महीने में वेट कम करा? वेट वाइज का सर उनका एक ट्रेनिंग, पूरा ट्रेनिंग पैकेज बनता है वो अलग से विद ट्रेनर, तो उनका जैसा टारगेट रहेगा वैसा पैकेज रहेगा। कितने ट्रेनर आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे यहाँ सर मुझे लेकर 3 लोग और हैं। अच्छा जी। मैं सोनू तिवारी, वसीम सर हैं हमारे यहाँ ट्रेनर, एक विवेक सर हैं, और लेडीज़ ट्रेनर भी हमारे यहाँ लेडीज़ टाइम में 2 लेडीज़ ट्रेनर हैं। तो और कुछ अगर आपको कहना हो, कोरोना का तो चलिए चलता रहेगा, अभी लंबा चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि जितने भी हमारे लोग हैं जिम के चाहने वाले, वो घबराएं ना, बल्कि जिम आएँ वो, और थोड़ा सा जो है ध्यान रखें अपना और जिम का ध्यान रखें, तो वो सेफ रहेंगे, और इम्यून सिस्टम अपना अच्छा करेंगे आके, तो वो भी सेफ रहेंगे।
बिल्कुल सोनू जी, आपकी बात बिल्कुल सच है कि क्योंकि कोरोना से अभी कोई दवाई तो नहीं बन पाई है, वैक्सीन आना शुरू हुई है रशिया में जैसा, बट अभी भी इम्यून सिस्टम पे ही ध्यान देना है और नो डाउट जिम से फर्क पड़ेगा लोगों को। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो कोरोना से भी उनको बचाव होगा। तो चलिए, ये थे हमारे सोनू तिवारी जी फिटनेस जिम से, माई फिटनेस जिम से करेली से, और मैं आशुतोष श्रीवास्तव हमारे कैमरामैन आकाश राय के साथ न्यूज़ X24 न्यूज़ से। धन्यवाद।